अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजवी व्लॉग्स। आज हम दोबारा अपने कंट्रोल शेड पे आ गए हैं। अगर शेयर करने से पहले जिस तरह कोई चीज़ दिखा दूँ मैं, जिस तरह हमारे घरों में एक चंद बच्चे होते हैं जो शैतान होते हैं, शैतान की तरह शैतानियाँ करते हैं, शरारती, इसी तरह ये हमारे शेड के अंदर कुछ चूज़े भी ऐसे हैं जो शैतान ही हैं तकरीबन। ये भी ये अपनी दीवार फलांग के निकल आते हैं इस तरफ, फिर इनको पकड़ के इस तरह वापस फेंकना पड़ता है। ये देखें, इनको फिर इस तरह वापस छोड़ना पड़ा। और ये साहब देखें, ये फंसे हुए हैं। ये देखें, ये अपनी शैतानियों के अंदर फंस चुके हैं, और अगर इनको ना निकाला गया तो ये एक्सपायर भी हो सकते हैं। कोशिश करते हैं इसको निकालने की। चल भाई वापस। ये देखें लो जी, इसकी तो जान हमने बचा ली है। माशाल्लाह कलर वाइट होना शुरू हो गया, क्योंकि ये ब्रायलर चिक्स हैं तो इनका कलर इंशाल्लाह वाइट ही बनेगा सारा। ये देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और ये हमारे 25,000 चूज़ा है, और दिन की तकरीबन अच्छी खासी फीड खा जाता है। वाटर इनटेक इनका बहुत अच्छा है, पानी भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। ये भी इनके लिए अच्छा होता है, जितना पानी पिएंगे अच्छा है। ये 24 घंटे में तकरीबन 10 फीड के बैग्स खा जाता है 50 kg वाले। 25,000 चूज़ा 10 बैग्स फीड के ये आराम से खा जाता है। ये देखें, इसका हर टाइम काम ये है कि इसने फीड खानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इसको 24 घंटे दे रहे हैं फीड, यानी बर्तन खाली नहीं होने दिए, ताकि फर्स्ट वीक है जितना मैक्सिमम इससे वेट इस टाइम गेन कर लेंगे तो ये उतना ही आगे हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि फर्स्ट वीक की डेफिशिएंसी कभी भी पूरी नहीं होती पूरे फ्लॉक में। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आज 5th डे है, इंशाल्लाह 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 8वें दिन हम दोबारा इसका वज़न करेंगे, कि हम देखेंगे कि हमने एवरेज वज़न क्या गेन किया पूरे शेड में 7 दिनों में। हर 7 दिन के बाद वज़न होता है इसका, उससे हमें एफिशिएंसी, फीड की एफिशिएंसी पता चलती है, हमें अपना टारगेट पता चलता है कि हमने जिस वेट पर मुर्गी सेल करनी है तो वो वेट हमें कब तक अचीव हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। अभी देखें इनके पर निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये वाइट कलर के इनके पर हैं। डे 5 पे ये पर आना इनके शुरू हो गए हैं। इसके देखें साफ पर नज़र आ रहे हैं, इसके पर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, फीड खा रहा है। अच्छा, आज टेम्परेचर हमारा कुछ कम हुआ है, 31 के राउंड अबाउट हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर है 31, और ह्यूमिडिटी हमारी आज ऑलमोस्ट 70 चल रही है। आज भी, कल भी जिस तरह हमको बताया था हमारे 4 पंखे चल रहे थे, तो आज भी हमारे 4 पंखे चल रहे हैं, और पैड्स पे टाइमर जो लगा हुआ वो भी वही है। माशाल्लाह हेल्दी है, तो भागता हुआ जीवन।
आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे कि मज़ीद इसका वज़न कैसे होता है, और आगे पूरे फ्लॉक की वीडियोस आपको मिलेंगी। और साथ साथ हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस के बारे में भी कुछ लेटेस्ट जो आजकल अपडेट्स चल रही हैं, इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना इसमें नुकसान होने के कितने चांसेस हैं, और मुख्तलिफ इसकी टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करना है, नमी किस तरह मेंटेन करनी है सारी, और मेडिकेशंस की वीडियोस भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज हमने इसके साथ लिंको ऐड की है, जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो कुछ समझ जाएंगे कि लिंको हमने ऐड की है। साथ हम इसके एसिड्स और मिनरल्स वगैरह ऐड करेंगे आपसे, और इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के मौसम के लिहाज से, गर्मियों के मौसम के लिहाज से इलेक्ट्रोलाइट बहुत फ़ायदा देता है। इलेक्ट्रोलाइट आज से ऐड कर देंगे इसमें, लेकिन उससे पहले हमने इसकी करनी है फ्लशिंग, और फ्लशिंग के बाद इन मिनरल्स वगैरह के साथ हमने हमारी इंशाल्लाह कल होगी इंजेक्शन, वैक्सीन का एंडी इंजेक्शन होगा एंडी के भी, तो उसकी भी आपको अपडेट इंशाल्लाह कल देंगे। आज तक के लिए फिर इतना ही, गर्मी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।